बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। सिंध गवर्नमेंट में न्यू जॉब्स रिसेंटली अनाउंस होने वाले हैं, इसकी खबरें सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी सुन रहे हैं। तो एक्चुअल में ये टोटल वैकेंसीज कितनी हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। कौन से डिपार्टमेंट्स में हैं और ये वैकेंसीज कब अनाउंस होगी, तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कुछ दिन पहले सिंध हाई कोर्ट का एक डिसीजन था जिसमें सिंध गवर्नमेंट को एजुकेशन डिपार्टमेंट में 56,000 जॉब्स अनाउंस करने को कहा गया था। फिर कुछ दिन पहले आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि 30,000 जॉब्स, टीचिंग की जॉब्स के बारे में भी न्यूज़ आई थी। फिर कल सीएम सिंध ने 75,000 जॉब्स की बात की। तो ये सारी बातें ऑफिशियल हैं जो न्यूज़ में आ रही हैं और ये जॉब्स आने वाली हैं। सीएम सिंध ने कल पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस की थी और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा था, इस वीडियो को सुने, उसके बाद हम बात करते हैं। अगेन नौकरियों की बात की, हमारे पास इस वक्त एक्चुअल नंबर नहीं है, फाइनेंस सेक्रेटरी बता सके कितनी वैकेंसीज हैं। इस वक्त 75,000 वैकेंसीज हैं जो नौकरी हमने देनी है और मेरिट पे देनी है। एजुकेशन में आपको पता है कि हमने अभी भी किए हैं, पता तो नौकरियां हैं बहुत और इंशाल्लाह ताला मेरिट पे ये नौकरियां दी जाएंगी। कोर्ट्स में फंसी हुई हैं 5 to 16 भी मेरिट पे IBA की टेस्टिंग के बाद हम नौकरियां दे रहे हैं। अगेन वो जो लोग हैं इधर यहां पे देखें, सीएम सिंध कह रहे हैं कि 75,000 जॉब सिंध गवर्नमेंट अनाउंस करेगी और पुलिस डिपार्टमेंट में 50,000 जॉब्स हैं। इसके अलावा 5 से 15 ग्रेड की जो जॉब थी, जिस जो केस चल रहा है 5 से 15 का, MQM ने केस किया था आई थिंक, और वो उस केस के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर वो केस खत्म होता है तो फिर और ज्यादा जॉब्स ये अनाउंस करेंगे 5 से 15। ये जितने भी जॉब्स हैं 56,000, 75,000, 30,000, इसमें ऑलमोस्ट 1 लाख से ज्यादा जॉब्स हैं। और स्पेशली सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, जिसमें टीचिंग की जॉब्स है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचिंग की जॉब्स भी होती हैं, नॉन टीचिंग की जॉब्स भी होती हैं। तो टीचिंग की जो जॉब्स हैं ये 50,000 से ज्यादा हैं। तो 2021 में जो टेस्ट हुए थे उसके बाद 50,000 तक ये वैकेंसीज उन्होंने फिल की थी एजुकेशन डिपार्टमेंट में। उसके अलावा 50,000 से ज्यादा और जॉब्स हैं सिर्फ टीचिंग की, और इस टीचिंग की जॉब्स में ECT की जॉब आ गई, SLT की है, SST की है, JST है, PST है। ये सारे वैकेंसीज अनाउंस होने वाले हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में भी 50,000 जॉब्स आएंगी और 5 से 15 ग्रेड की जो जॉब्स हैं ये तकरीबन 1 लाख से ज्यादा जॉब्स हैं जो 5 ग्रेड से 15 ग्रेड के हैं, और ये IBA ने ऑलरेडी टेस्ट ले लिया है, तो इन जॉब्स को भी फिल किया जाएगा। तो ये सारे जॉब्स नेक्स्ट मंथ से अनाउंस होना स्टार्ट होंगे। ये जरूरी नहीं है कि एक साथ सारे जॉब्स अनाउंस कर दें, वक्तन बवक्तन ये एडवर्टाइज करेंगे जॉब्स को, एडवर्टाइजमेंट आते रहेंगे, आपको अप्लाई करना है। तो ये जॉब्स जो हैं तकरीबन 1 लाख से ज्यादा हैं, अगर टीचिंग, नॉन टीचिंग या सारे जो सिंध गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट्स हैं, सारे डिपार्टमेंट्स की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज हैं। अब आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए, जर्नल वे से तैयारी किया करें हमेशा। सबसे पहले इंग्लिश आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, इंग्लिश के बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, मैथमेटिक्स के बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, साइंस, जनरल साइंस अच्छी करनी है और GK अच्छी करनी है। ये 4 सब्जेक्ट्स आपको एनी हाउ आने चाहिए, किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं इन इन सब्जेक्ट को तैयार रखना चाहिए, अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो।